नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार साफ सफाई के लिए लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते देखे जा सकते हैं, परंतु इस समय हम बात करेंगे उस अमले की जो लगातार सेवाओं में लगा रहता है, सफाई कर्मी। जी हाँ, यह सफाई कर्मी लगातार अपनी सेवाओं को लेकर आम जनमानस के बीच में होते हैं। वह लगातार किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार जिले के दमोह नगर के 39 वार्ड में यह कार्य चल रहा है, हमने चर्चा की इसमें यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं राकेश घेंचरी से। क्या कहना है उनका और किस प्रकार व्यवस्था चल रही है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राकेश जी, अभी ये फुटेरा टैंक पर हम खड़े हैं, फुटेरा तालाब के ऊपर जी सफाई का कार्य चल रहा है। ये निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है कि किसी विशेष पर्व पर चल रहा है? नहीं सर, ये हमारा जब जब त्यौहार पड़ता है तो विशेष सफाई लगती है और प्रतिदिन रूटीन के अनुसार जो हमारा वर्क होता है प्रतिदिन का, वो डेली प्रतिदिन होता है। और जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें हमारी एक अभी अलग से एक टीम लगाई जाती है, जिससे हमारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और जो भी कार्यक्रम होता है वो भी तरीके से संपन्न हो सके, जिसमें हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पूरे भी अधिकारी जो रहते हैं वो सब आके इंस्पेक्शन करते हैं और हम लोगों को धन्यवाद दे के जाते हैं सर, और जनता के द्वारा भी हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है सर। अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है सफाई की जी, पूरे शहर में चल रही है? पूरे शहर में चल रही है सफाई, हमारा पूरा कर्मचारी लगा हुआ है जी जान से। और वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें भी हम लोग जनता को सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोग से भी कह रहे हैं कि आप अपने घर पे रहें और साफ सफाई जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को भी प्रोत्साहन जनता के द्वारा मिल रहा है और हम लोग भी कोरोना वायरस को देखते हुए जनता को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकले और हम लोग साफ सफाई ऐसे ही करके रख रहे हैं दुरुस्त कि उनको किसी भी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी ना लग सके सर। जैसे कि पूरा इतना बड़ा नगर है जी, इस नगर में सफाई की जो चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आती हैं, इन चुनौतियों के बीच में किस प्रकार से आप काम कर पाते हैं, कुछ ऐसा नहीं सर? हम लोगों को तो ये है सर, हम लोगों को दायित्व दिया है काम करने का, तो हम लोग अपने कोई भी इस तरीके से काम में नहीं डर रहे हैं कि हम लोगों को इस बीमारी से कोई रोग पैदा हो जाए या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए, परंतु हमारा दायित्व है काम करने का, हमारे प्रशासन ने हम लोगों को दायित्व दिया है, तो हम लोग अपने मतलब साथ मौत को लेके चल रहे हैं सर, और जनता को भी हम लोग सुरक्षित लेके चल रहे हैं कि कोई भी जनता को ऐसा कोई दुख ना पैदा हो या कोई कष्ट ना पैदा हो ताकि वो हम लोगों के ऊपर दोष ठहरा सके। क्यों? हम लोगों का कर्म है, हम लोगों का वर्क है सर ये, तो हम लोगों को भी शासन ने जो निर्देश किए हैं, गाइडलाइंस दी है, उसके तहत भी सर हम लोग काम कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, किसी को कोई प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो सर, इसलिए हम लोग दिन रात शहर के 39 वार्ड हैं, पूरे 39 वार्डों में कीटनाशक पाउडर, सैनिटाइजर और फिनाइल का उपयोग करते हुए सबको सुरक्षा की दृष्टि से रखे हुए सर, और सफाई का कार्य चल रहा है। सर्वजन लगभग कितने कर्मचारी आपके स्थायी और कितने अस्थायी लगे हुए? हमारे सर 250 कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं और उसमें से 250 अस्थायी में लगे हुए हैं सर। लगभग 500 लोगों की टीम है सर, जिसमें भी सुपरवाइजर है, हमारे ड्राइवर हैं, लेबर है और दूसरा वार्डों में अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं वो सब लोग कार पे लगे हुए हैं सर। लेकिन एक प्रश्न उठता है जी, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे दिखलाई देते हैं जिनके पास सुरक्षा के कुछ उपकरण कम दिखलाई देते हैं। सर क्या है, जो भी शासन से हम लोगों को सामान प्राप्त हो रहा है वो जो सामान होता है सब उसकी 6 घंटे की कैपेसिटी होती है जिसमें हम लोगों को सामान उपलब्ध हो रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि समय पे जिस समय पे हमको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा समय लग जाता है, परंतु सामग्री हम लोगों को उपलब्ध हो रही है सर, मिल रही है सामग्री मिल जाती है, मिल जाती है सर, भले ही विलम्ब हो, विलम्ब थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि मार्केट लॉकडाउन होने के कारण सामान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारे अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं, परंतु यह है कि समय सीमा में हम लोगों को सामग्री उपलब्ध हो रही है, समस्त कर्मचारियों को बाकायदा सैनिटाइजर है, मास्क है, हाथ पोस है, ये सब उपलब्ध हो रहा है सर। राकेश जी, आप एक मतलब बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जी सर, और मैं चाहूँगा कि क्योंकि सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी झाड़ू हाथ में पकड़ा जी 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 है ना जी, और आपकी तरफ से कोई संदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने नाम से संदेश देते हैं और आपकी तरफ से भी कोई संदेश अगर जनमानस को हो तो मैं यही चाहता हूँ सर कि
आम जनता जो हम लोग तो जिन दिन रात जी जान से मेहनत करते रहते हैं, हम लोग ये अपील चाहते हैं कि जहाँ भी बाढ़ में जो भी बाढ़वासी रहता है वो हम लोगों को सपोर्ट करे, और सपोर्ट करने के बाद हम लोग भी ये चाहते हैं, जनता को संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर घर से कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी जाती है, वो घर का अपना कचरा उठा के हमारे डस्टबिन हमारी गाड़ी में डालें ताकि गंदगी ना पैदा हो, और हम लोगों को जो हम लोग भर करते हैं उसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिले, और जनता बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि कचरा गंदगी में रहना बड़ा दुखदायी होता है, बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो मेरा संदेश यही है आम जनता से भी है कि वो हम लोगों को सपोर्ट करे, कचरा अगर डला हुआ तो हम लोगों को सूचना दे ताकि हम समय सीमा में उस कचरे को तत्काल अलग करके ले जाके हम और टेंचिंग ग्राउंड में डालें, और जो भी कचरा सामने दिखता है वो कचरा हमारे कचरा घर घर से कलेक्शन वाली आती है उसमें डालें, और हम लोगों को सूचित करें जहाँ जहाँ गंदगी पाई जाती है वहाँ हम लोग तत्काल सेवा में खड़े रहते हैं। हम साथ स्वच्छ भारत और स्वच्छ दमो बना रहे सर। यह थे राकेश घेंचरी, नगर पालिका के सुपरवाइजर, जिन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी दी और एक मार्मिक अपील भी की कि हम सब तैयार हैं कोरोना COVID-19 को पराजित करने के लिए, साफ सफाई के लिए हम सब कृत संकल्पित होकर मैदान में हैं, और आम जनमानस भी इसमें सहयोग करे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। यह थे आज के मुख्य समाचार, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।